नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर से एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल, बहुत आसान तरीके से। इसके लिए हमने ये फ्लावर और ये पत्तियों का शेप ड्रॉ किया है, और इसी तरह से हमें तीन फ्लावर का बंच बनाना है जो शोल्डर पे रहेगा, और फ्लावर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर हम चेन की स्टिच लेंगे। चेन की स्टिच के लिए हमने कॉपर कलर का जरी का धागा लिया है, और ये हमारी क्रोसेट नीडल है जिसकी साइज 14 नंबर और 0 साइज है। आप आरी की तरह इस नीडल से चेन की स्टिच इजीली ले सकते हैं। इस तरह से फ्लावर के ऊपर हमने ये चेन की स्टिच कंप्लीट की है, और अभी ये गांठ दे देनी है। उसके बाद में हमारी लिप्स के ऊपर चेन की स्टिच देनी है। इस तरह से पत्तियों के ऊपर हमने ये चेन की स्टिच कंप्लीट कर दी है, और यही तरीके से दूसरी साइड में जो हमारी पत्तियां हैं वहां पर भी हमें चेन की स्टिच कंप्लीट करनी है। यहाँ मैंने कंप्लीट कर दी है। अभी सेंटर की इन दो पत्तियों के ऊपर हमें ये जरदोजी को अटैच करना है। नॉर्मल नीडल के साथ में इस तरह से हमने ये जरदोजी अटैच करनी है। अभी तिरछी इस जरदोजी को हमने कट किया है छोटी साइज में, और पत्तियों के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों साइड में इस तरह से जरदोजी को अटैच किया है हमने। अभी लेना है हमें ये कॉटन का थ्रेड। इस कॉटन के थ्रेड को पहले हम इन लीव्स के ऊपर ये हमारा फिलअप करेंगे। तो पहले सीधा इस तरह से धागा अटैच करना है, फिर तिरछा अटैच करेंगे। हमने पहले यहाँ पर सीधा इसलिए किया है ताकि इस जो लीफ है इसमें भरा भरापन आए, इसलिए हमने पहले सीधा अटैच किया है। इस तरह से हमारी ये पत्तियाँ फिलअप हो गई है। अभी जो फ्लावर का हिस्सा है वहाँ हमें ये इसी धागे से इसको फिलअप करना है। सेंटर में जो सर्कल है उसको खाली छोड़ देना है, और बाकी का सारा हिस्सा इसी कलर के धागे से कंप्लीट करना है।
इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी अंदर जो सर्कल है वहाँ पर हमें मोती अटैच करने हैं, तो सर्कल का जो बाउंड्री है उसमें हमें जितने मोती चाहिए उतने पिरोने हैं, और जहाँ से सुई धागा बाहर निकाला है वहीं वापस अंदर डालेंगे, और फिर इन मोती को सर्कल की साइज़ के अकॉर्डिंग लॉक करना है इसी सुई धागे से। फिर अंदर एक और लेयर रहेगी सर्कल की, और वहाँ पर भी इसी तरह से ये मोती अटैच करने हैं। पूरा अंदर ये हिस्सा हमें ऐसे भरना है। यहाँ पर ये दो लेयर आएंगी, थोड़ा सा बड़ा लेना चाहते हैं तो एक और लेयर ले सकते हैं। फिर सेंटर में सिंगल मोती स्टिच कर देना है। इस तरह से ये डिज़ाइन आप यहाँ पर ये फ्लावर दो एक दो और अटैच करने हैं, जिससे अच्छा बंच बन जाएगा और इसका लुक बहुत सुंदर आएगा। इस तरह से ये बहुत सिंपल तरीके से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं और ये फटाफट भी बनेगा। और इसमें आप अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके इस एम्ब्रॉयडरी को और अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे फ्लावर दो तीन ऐड करके डिज़ाइन पूरी शोल्डर पे ऐसे रहेगी, और फुल ब्लाउज में ये डिज़ाइन ऐसे रहेगी। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।